राजनीति से जुड़ी हर खबर चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। जम्मू बस स्टैंड में बस पर गुरुवार को हुए ग्रेनेड हमले के बाद पूरे राज्य में अलर्ट है। इसी बीच जम्मू एयरपोर्ट के पास शुक्रवार को कुछ संदिग्ध वस्तुएं मिली हैं, जिसके बाद वहां पर पुलिस जांच के लिए पहुंची। हालांकि पुलिस की ओर से आए बयान में कहा गया है कि जो संदिग्ध वस्तु थी वो सिर्फ बैटरी ही थी, ऐसे में चिंता करने की कोई बात नहीं है। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है। संदिग्ध वस्तु की खबर मिलते ही मौके पर बम निरोधक दस्ता पहुंचा, जो वहां पूरी जांच करेगा। गौरतलब है कि गुरुवार को जम्मू के बस स्टैंड में खड़ी राज्य परिवहन की बस पर ग्रेनेड से हमला किया गया था। इस हमले में 2 लोगों की मौत हुई थी जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस हमले के बाद से ही जम्मू शहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। गुरुवार को जैसे ही बस पर ग्रेनेड अटैक हुआ तब पुलिस ने बस स्टैंड के पास के पूरे इलाके को घेर लिया, साथ ही शहर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। पुलिस की ओर से आम लोगों को किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने के लिए कहा गया था। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।